नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक और कृषि से संबंधित बेहतरीन वीडियो में। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो लोग बढ़े हुए बिजली के बिलों से परेशान हैं या बिजली कटौती से। वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलर रफ्टॉप योजना या यूं कहें सोलर पैनल योजना के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जय जवान जय किसान चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करे बिना आगे मत बढ़ना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए जनता जनार्दन की जय बोलकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार द्वारा रफ्टॉप सोलर पंप योजना शुरू की गई है, जिसमें विद्युत कंपनियां आपके घर के ऊपर या आपके छत पर, जो आपका घर है उस पर सोलर प्लांट लगाएगी। इसमें 10 किलो वाट तक का सोलर प्लांट मिल जाता है। अगर आप 1 किलो वाट का सोलर प्लांट छत पर लगवाते हैं तो आपको प्रति किलो वाट 14,588 रुपये सब्सिडी मिल जाती है। अगर आपको इसमें इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होता है तो इसकी डेट भी सरकार ने आगे बढ़ा दी गई है। आपको डेट की भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, 31 दिसंबर 2026 तक आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। यानी कि जनवरी 2023 से योजना शुरू हो गई है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन की जो डेट है वो 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए आपको नेशनल पोर्टल फॉर रफ्टॉप सोलर इस साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसमें आपको घरेलू यानी 3 किलोवाट और कमर्शियल यानी खेत से संबंधित या बाहरी काम के लिए 10 किलोवाट दोनों का ऑप्शन मिलता है। याद रखें, सब्सिडी सिर्फ घर पर लगवाने में मिलती है। इसके अलावा अगर आप होटल, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप या स्कूल, अन्य कॉलेज या अन्य जगहों पर सोलर पैनल या सब्सिडी ये लगाते हैं सिस्टम, तो इसके लिए आपको सब्सिडी में अलग अलग तरह की जो कंडीशन वो रहती है, यानी कि एक हिसाब से देखो तो सब्सिडी नहीं मिल पाती है, और कुछ कंडीशन ऐसी रहती है जिसमें आपको बहुत कम सब्सिडी मिल भी सकती है। अगर आप 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 14,588 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। वहीं 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 7,294 रुपये प्रति किलोवाट सब्सिडी आपको मिलेगी। शुरुआती खर्चों की अगर हम बात करें 2023 के हिसाब से, पहले इसमें कुछ अलग सिस्टम था, यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं था सोलर सिस्टम, और अब जो 2023 है उसके हिसाब से अगर हम बात करें 1 किलोवाट का उदाहरण ले लेते हैं तो 80,000 रुपये से इसका खर्च शुरू हो जाता है। यानी कि 80,000 रुपये से इसका खर्च शुरू हो जाता है। उसके बाद जो भी खर्चे कंपनी के हिसाब से, इसमें सोलर सिस्टम में उपयोग होने वाली जो सभी चीज़ें उसके हिसाब से उसकी कीमत पर निर्भर करता है। अलग अलग कंपनियों में इसकी जो कीमत है वो उसके हिसाब से काम करती है। वैसे अलग मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के हिसाब से मैं आपको टाटा कंपनी का सिस्टम लगाने की सलाह दूंगा। पहले क्या होता था कि सरकार 20% 30% के हिसाब से इसमें सब्सिडी देती थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें नया बदलाव किया है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें नया बदलाव किया है और इसमें प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी फिक्स कर दी है। जो पहले आपको डायरेक्टली मिलती थी कि 30% मिलेगी, 40% मिलेगी, लेकिन अब आपको प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। और उसकी अगर हम बात करें तो 2023 से इस योजना की, रफ्टॉप सोलर जो सिस्टम योजना है, इसके पोर्टल की भी शुरुआत सरकार ने कर दी। उम्मीद है किसान भाई ये वीडियो पसंद आया होगा।